मोटिवेशन गुरु, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, यूथ आइकन, ए सेल्फ मेड मिलियनियर संदीप महेश्वरी। प्रस्तावना। संदीप महेश्वरी लाखों में एक ऐसा नाम है जिन्होंने सफलता, खुशी और संतोष की तलाश में संघर्ष किया, असफल रहे और आगे बढ़े। किसी भी अन्य मध्यम वर्ग के लड़के की तरह उनमें भी अस्पष्ट सपने थे और जीवन में अपने लक्ष्यों की एक धुंधली दृष्टि थी। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ सीखने की तीव्र इच्छा थी। जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए यही वह समय था जिसने उन्हें जीवन का सही अर्थ समझाया और सिखाया। और जब एक बार उन्हें अपने लक्ष्य का पता चला, वो लगातार अपने आराम क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर आते गए और अपनी सफलता के रहस्य को पूरी दुनिया के साथ साझा करते गए। लोगों की मदद करने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इसी इच्छा ने उन्हें फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार और सत्र के रूप में लोगों के जीवन को बदलने की पहल करने के लिए प्रेरित किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उनके साथ जुड़ते गए और शेयरिंग के उनके मिशन को अब लाखों लोगों द्वारा सक्रिय रूप से प्रचारित और अभ्यास किया जा रहा है। यही उनकी परिश्रमी रवैया, उनके परिवार का समर्थन और उनकी टीम का विश्वास है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संदीप महेश्वरी जी ने एकल रूप से इस प्रतिमान को मॉडलिंग की दुनिया में लेकर आए, जहां अनगिनत मॉडल को बिना किसी शोषण और उत्पीड़न के सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उनका जीवन परिवर्तन का प्रयास था जिसने उन्हें 29 साल की छोटी उम्र में भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में से एक बना दिया। उनकी नैतिकता, टू नेवर फियर ऑफ फेल्योर, और स्वयं और दूसरों के लिए सच्चा बने के रूप में प्रतिध्वनित हुई। एक सफल उद्यमी होने के अलावा वो एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक और एक रोल मॉडल और दुनिया भर के लाखों युवाओं के लिए एक आइकन है। लोग उनका अनुसरण करते हैं और उन्हें अपना जीवन आसान बनाने में लोगों की मदद करने के इस महान मिशन के लिए प्यार करते हैं। ईश्वरीय शक्ति में उनका अटूट विश्वास उन्हें लगातार और आगे बढ़ने की ताकत देता है। सफलता के इस मुकाम पर आने के बाद यह जानकर काफ़ी हैरानी होती है कि पैसा उन्हें लुभाता नहीं है और यही कारण है कि लाभ से उनका संगठन नहीं चलता है। यह उनकी कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक भावनात्मक संबंध है जो उनके मायने रखता है। एक पूरे नए उद्योग और संगठन के निर्माण में सक्षम होते हुए वो अपने स्वनिर्मित बेंचमार्क का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो कहता है, यदि आपके पास जरूरत से ज़्यादा है तो बस इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। अपनी उम्र और कद के किसी भी व्यक्ति की तुलना में पूरी तरह से अलग आभा के साथ वो भेड़ चाल की दौड़ से ऊपर उठ गया और अपने सरल मंत्र आसान है के साथ जीवन कठिन है के मिथक से टूट गया और इस जड़ समाधान से बाहर कई जमीनी हकीकतों को तोड़ दिया। जैसे कि पैसा पेड़ पर लगता है, सफलता सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है, और सबसे दिलचस्प कहना आसान है लेकिन करना उससे भी ज़्यादा आसान। संदीप जी का मानना है कि चाहे आप 1 रुपये से शुरू करें या 1 लाख से, महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करें और वह भी अपने पैसे से। उनकी दृष्टि कल के नेताओं की उद्यमशीलता की भावना को प्रज्वलित करने, प्रेरित करने और उन्हें सफल बनाने में मदद करने के लिए हमेशा आगे है। और अधिक जानकारी आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। जीवन परिचय। जब कोई साधारण इंसान कुछ बड़ा करता है तो अपने आप ही वो आम लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि ये तो बिल्कुल हमारी तरह का ही, और जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। संदीप मध्यवर्गीय परिवार का एक आम सा लड़का जिसने कुछ बड़ा किया है और जो हमें भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली का एक किराए के 2 कमरे के छोटे से मकान में रहता था। जब वह बहुत छोटा था तब पड़ोस के एक बच्चे के पास लाल साइकिल देखकर मन मचल गया। पिता से साइकिल दिलाने की जिद की जवाब आया, मैं कोई टाटा बिड़ला नहीं हूँ जो इसकी सारी फरमाइशें पूरी करता रहूँ। माँ से पूछा, ये टाटा बिड़ला क्या होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं। माँ ने
पीछा छुड़ाते हुए कहा। बच्चे ने फैसला किया कि वो बड़ा होकर टाटा बिड़ला बनेगा, मगर लोग उसका मजाक मनाने लगे। ये मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना जारी रहा। ये बातें संदीप के दिमाग में इतनी बैठ चुकी थी कि उन्हें लगा कि कहीं से 10 से 15 हज़ार की नौकरी मिल जाए वही बहुत है। जब संदीप 15 से 16 साल के थे तब उनके परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उनके पिता का 20 साल पुराना एल्युमिनियम का व्यापार था, पार्टनर से हुई कुछ अनबन की वजह से बंद हो गया था। ये एक बड़ा संकट था। जब पैसा कम होता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। संदीप का परिवार भी तमाम परेशानियों से जूझ रहा था, पिताजी की अवसाद में रहने लगे। संदीप को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वो परिवार के साथ मिलकर छोटे मोटे काम करने लगे, STD PCO चलाया, कॉल सेंटर और दूसरी जगहों में इंटरव्यू दिया। हर जगह से असफलता हाथ लग रही थी। हालत ऐसी हो चुकी थी कि सोचने लगे कहीं से 8 से 10 हज़ार की नौकरी मिल जाए। फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया। जब वे 18 साल के थे तब किसी के बुलाने पर वे एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सेमिनार में गए। 3 घंटों में वहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में जब एक लड़के ने स्टेज पे खड़े होकर बताया कि उसकी उम्र 21 साल है और वो महीने का 2.5 लाख कमाता है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जब इस 21 साल के लड़के के लिए महीने का 2.5 लाख कमाना आसान है तो उनके लिए भी ये आसान है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अचानक इसने संदीप की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। संदीप उस कंपनी में जुड़कर उस काम में जी जान से जुट गए, पर सफल नहीं हो पाए। एक बार फिर उन्हें असफलता ही मिली, लेकिन इस बार की विफलता से वे निराश नहीं हुए। संदीप जल्द ही कुछ और करना चाहते थे। मन में आया कि मॉडलिंग कर लेता हूँ। संदीप ने कॉलेज में इसकी शुरुआत की। थोड़ा जाना तो पता चला हर दूसरा आदमी मॉडल बनना चाहता है। संदीप यहाँ भी सफल ना हो पाए, लेकिन इस फील्ड में जाना उनकी आगे आने वाली लाइफ को बदलने वाला था। संदीप मॉडलिंग वर्ल्ड की बहुत सारी बातें समझने लगे। अधिकतर मॉडलिंग एक्सचेंजिंग फ्रॉड थी, जो मॉडल्स को सिर्फ शोषण कर रही थी। तब संदीप के मन में आया कि मॉडल्स के लिए कुछ किया जाए, पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उनका एक मॉडल दोस्त पोर्टफोलियो लेकर आया। उसकी फ़ोटोज़ देखकर संदीप को बहुत खुशी हुई। उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें फ़ोटोग्राफी सीखनी है। साउथ दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्तों का एक कोर्स किया और एक बढ़िया सा कैमरा खरीदकर शौक या फोटोग्राफी करने लगे। पर इस फील्ड में भी पहले से बड़े बड़े फोटोग्राफर बैठे थे, कई लोग सालों का कोर्स करके बैठे थे और कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। संदीप के मन में एक आइडिया आया। वो अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस का यूज करते हुए एक लिस्ट बांटने लगे, जिसमें जेनियन और फ्रॉड मॉडलिंग एजेंसीज के नाम थे। जब कुछ लोग जान गए तो संदीप ने पेपर में एक ऐड दिया जिसमें लिखा था कि फ्री में पोर्टफोलियो बनवाएं। उन्हें इस काम में करीब 20 हज़ार का फ़ायदा हुआ, जो उनकी पहली बड़ी कमाई थी। और ये बात उन्होंने पोर्टफोलियो बनवाने वाले मॉडल को भी क्लियर बता दी। शायद इसलिए ही उनका कहना है, ज़िंदगी में कभी भी कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। इसके बाद फोटोग्राफी का उनका काम कुछ चल पड़ा। महीने के 20 से 30 हज़ार आने लगे, पर ग्रोथ नहीं हो रही थी। संदीप कहते हैं कि फोटोग्राफी में सिर्फ काम नहीं बिकता, नाम बिकता है। और अब उन्हें नाम करना था। दिमाग में आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे सब लोग उनको जान जाए। इसके लिए कम से कम 100 मॉडल्स होने चाहिए जिनकी 12 घंटे के अंदर 10 हज़ार फोटो खींचनी होगी, वो भी सब अलग अलग। बहुत सी चुनौतियां आई, मॉडल्स को ढूंढना, पैसों का इंतजाम, लेकिन अपनी धुन के पक्के संदीप महेश्वरी के सामने एक भी टिक नहीं सका। संदीप ने 2003 में 22 साल की उम्र में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाने से अब उनका नाम भी हो गया। आम लोग, मॉडल्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सब उनको जानने लगे। उनकी टॉप की एजेंसी बन गई, 2-2 ऑफिस खुल गए, खूब पैसे भी आने लगे। पर संदीप खुश नहीं थे। एक बात उन्हें अभी भी परेशान कर रही थी, मॉडल्स का कुछ खास नहीं हो रहा था। पोर्टफोलियो बनवाने में वे इतने पैसे खर्च करते थे पर उन्हें काम नहीं मिलता। संदीप में उनकी हेल्प करने के लिए एक मैगजीन निकाली, वेबसाइट भी लॉन्च की, पर कुछ नहीं हुआ। संदीप परेशान थे। वो 2006 का साल था। संदीप के अंदर मॉडल्स को हेल्प करने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। सोचा चाहे जो हो जाए इसके लिए कुछ करना है। संदीप जी कहते हैं, जब हम बोलते हैं आसान है और जवाब मांगते हैं तो जवाब मिल जाता है।
एक दिन उनके ऑफिस में एक एजेंसी वाला आया, एक मॉडल की फ़ोटो देखी और बोला, हमारे पास शूट वूट का टाइम नहीं है, हम इसी फ़ोटो को स्कैन करेंगे और सीधा ऐड में छाप देंगे और इसके हम बस 2500 दे सकते हैं। संदीप को और क्या चाहिए था, उनके मॉडल को एक ऐड में आने का मौका मिल रहा था और कुछ पैसे भी आ रहे थे। वे फौरन तैयार हो गए और इस घटना से ही उनके दिमाग में इमेजेस बाजार का आइडिया आया। दरअसल पहले क्या होता था कि अर एजेंसी किसी मॉडल का पोर्टफोलियो देखकर उसे सिलेक्ट करती थी, फिर जैसा ऐड होता था उस हिसाब से शूटिंग, फ़ोटो सेशंस वगैरह किए जाते थे। पर इस बार तो सीधे पोर्टफोलियो वाली फ़ोटो ही सिलेक्ट कर ली गई थी, यानी अगर क्लाइंट्स को सीधे उनके ऐड के मुताबिक ही फ़ोटो मिल जाए तो शूट करने में टाइम और पैसा खराब करना कौन चाहेगा। इसी सोच ने इंडियन फ़ोटोज की सबसे बड़ी वेबसाइट इमेजेस बाजार को जन्म दिया और आज आप अखबारों और मैगजीन्स और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर जितने भी ऐड देखते हैं उनमें से कईयों में इमेजेस बाजार की फ़ोटो ही काम में ली जाती है। अपने दोस्त फिर भी उन्होंने तुरंत अपने दोनों ऑफिस बंद कर दिए और अपना पूरा फोकस इमेज बाजार पर डाल दिया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर संदीप अक्सर कहते हैं जब भी कुछ बड़ा होना होता है तो आपको पागल होना पड़ेगा, और उन्होंने यही किया। इमेजेस बाजार के लिए वो दिन रात काम करने लगे और उसे अपनी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बना दी, जीवन में मिली सबसे बड़ी असफलता। फोटोग्राफी शुरू करने के कुछ दिनों बाद एक दोस्त ने संदीप को एक नई ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार किया। डील में ये थी कि वो दोस्त पैसा लगाएगा और संदीप सारा काम देखेंगे। दोस्त ने शुरू में तो पैसे लगाए पर बाद में पीछे हट गया। ऐसे में संदीप ने इधर उधर से पैसे उधार लेकर 2 से 3 महीने जमकर इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया। 800 लोग इसमें आए, इवेंट बहुत सफल रहा, पर जब अंत में प्रॉफिट शेयर करने की बात आई तो वो दोस्त सारे पैसे लेकर गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। ये एक बड़ा धक्का था, पर संदीप कहते हैं सक्सेस एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से। वो इससे ज़रा भी हताश नहीं हुए और घर जाकर खूब इन्जॉय किया कि चलो आज एक बहुत बड़ी सीख मिली है। सीख पहले फेलियर की वजह से संदीप को इवेंट मैनेज करने का कॉन्फिडेंस आ गया, जिस वजह से वो फोटोग्राफी से रिलेटेड अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए जिसमें उन्होंने खुद ही सारा कुछ मैनेज, नहीं तो उन्हें किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करना पड़ता जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फोटोग्राफी में घुसने के कुछ दिनों बाद भी संदीप जापान लाइफ नाम की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से जुड़ गए थे और तुक्के में उन्होंने महीने के 1,00,000 रुपये भी आने लगे। पर यहाँ भी उन्हें लगा कि लोग ठगे जा रहे हैं, तो कुछ डाउनलाइन के लोगों के साथ मिलकर एक दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू की। इसमें खूब लगकर काम किया, सॉफ्टवेयर बनवाना, ऑपरेशंस मैनेज करना, सब कुछ किया और शुरू में सब सही चला। 6 महीनों में 1100 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, पर उसके बाद पार्टनर्स में हुई किसी मतभेद की वजह से कंपनी बंद हो गई। संदीप ने इसमें काफ़ी पैसा लगा दिया था और अब जापान लाइफ भी नहीं थी और यहाँ भी कुछ नहीं था। एक बार फिर उनके पास कुछ नहीं था। सीख दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग वाला फेलियर न होता तो इमेजेस बाजार ही नहीं बन पाती, क्योंकि अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनाने की वजह से उन्होंने सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो गया और अगर ये नॉलेज ना होता तो वे इमेजेस बाजार की कल्पना भी नहीं कर पाते। जब संदीप मल्टीनेशनल नेटवर्क कंपनी में फेल हो गए और तभी फोटोग्राफी में भी स्ट्रगल चल रहा था, तभी संदीप के दिमाग में आया कि मार्केटिंग पर एक बुक लिखी जाए, और लगभग 20 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक लिख डाली। इसकी अनोखी बात यह थी कि इसे आगे से नहीं पीछे से पढ़ना था, पर इसे खरीदने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1000 में से करीब 150 कॉपीज ही बिकी और बाकी 850 को माँ ने कबाड़ वाले को बेच दिया। सीख तीसरे फेलियर, जिसमें उनकी बुक फ्लॉप हो गई, उसके लिए संदीप कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस बुक की वजह से ही कर रहा हूँ। दरअसल इस बुक को लिखने के चक्कर में उन्होंने इतनी सारी बुक्स पढ़ डाली कि उनकी माइंड बहुत ब्रॉड हो गया और वो बिजनेस रिलेटेड और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। पर क्या ये फेलियर सचमुच इतने बुरे थे? संदीप कहते हैं कि मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में पता चलता है कि वो भी अच्छे के लिए ही हुआ है। और यही सीख हमें संदीप के 3 बड़े फेलियर से मिलती है। सफलता का राज,
संदीप की सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ दो शब्दों में छिपा है, आसान है, जिसका इस्तेमाल वे अक्सर कई जगह करते हैं। वे किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं मानते, चाहे चुनौतियाँ बड़ी हो या छोटी। हर बार वो यही सोचते हैं कि ये आसान है, और सचमुच वो उनके लिए आसान बन जाता है। और यही सलाह वो हर इंसान को देते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी को उनसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सीखनी है तो वो है आसान है का सूत्र। वो कहते हैं अपनी जीवन की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स उन सब में जमा करके इन दो शब्दों को चिपका दो अंदर से। जिस दिन आवाज़ आने लग गई ना आसान है, उस दिन सब कुछ सच में आसान हो जाएगा। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट है, आसान है। इसकी पावर को हल्के में मत लो, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। क्या कोई भी कुछ भी कर सकता है? अगर मेरे जैसा लड़का दब्बू सा जो शर्माता था वो अगर स्टेज पे आकर बोल सकता है तो दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। संदीप मानते हैं कि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं, ये बच्चों का खेल है। और अगर तुम मान लो कि सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है तो क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे। हम जो करना चाहते हैं पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। संदीप, वो क्या सोचेगा ये मत सोचो, वो भी यही सोच रहा है। पहले लोग मुझसे कहते थे ये ले 10 रुपये और मेरी फ़ोटो खींच दो। अगर मैं यही सोचता कि लोग क्या कहेंगे तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? संदीप, सफलता सिर्फ एक ही परिभाषा है मेरे लिए, शेयर करो, दिल से शेयर करो, सबके साथ शेयर करो। आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? संदीप, एक बार एक बच्चे की फ़ोटो प्रिंट हुई, मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। उसकी माँ आई, उनकी आँखों में आंसू थे, मुझसे बोली थैंक यू, यही मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, यह वर्ष 2003 था। इमेजेस बाजार एक लेवल पर आकर रुक गया क्योंकि उनका नाम नहीं था, वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि नाम कमाने के लिए कुछ करना होगा, ढूंढने लगे कोई ऐसा काम जिससे उनका नाम हो। तब उन्होंने सोचा एक रिकॉर्ड बनाया जाए, इंडिया लेवल पर नहीं वर्ल्ड लेवल पर फोटोग्राफी में। तब उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में चेक किया और वहाँ एक फ़ोटो सेशन करना होगा जिसमें 100 से ऊपर मॉडल्स होंगे जिनकी 12 घंटे के अंदर 10,000 फ़ोटो लगातार लेना होगा जो कि सारी अलग अलग होगी, तब रिकॉर्ड टूटेगा। तब उन्होंने केवल 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडलों के 10,000 से अधिक शॉट्स लेने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक वह नहीं रुके, उनका ध्यान उस ग्लैमर और प्रसिद्धि से नहीं डगमगाया जो उन्हें मिला था, बल्कि इसने उनकी जन्मजात इच्छा को आगे बढ़ाते हुए मॉडलिंग की दुनिया को फिर से नया बनाने की इच्छा को जन्म दिया। 26 साल की उम्र में उन्होंने इमेजेस बाजार, जो कि इमेजेस स्टॉक करने की एक वेबसाइट है, को लॉन्च किया। मुख्य उपलब्धियां, संदीप जी ने अपने जीवन में काफ़ी कुछ हासिल किया है जिसका उनका नाम आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी इसी काबिलियत के कारण उन्हें पूरी दुनिया में सराहा गया है और बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं जो नीचे बताए गए हैं, आइए जानते हैं। एंटरप्रेन्योर इंडिया समिट द्वारा वर्ष 2013 का क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका द्वारा भारत के सबसे प्रमुख उद्यमियों में से एक, ग्लोबल यूथ मार्केटिंग फोरम द्वारा स्थापित स्टार यूथ अचीवर अवार्ड, ब्रिटिश काउंसिल ब्रिटिश उच्चायोग का एक प्रभाग द्वारा युवा रचनात्मक उद्यमी पुरस्कार, इटी नाउ टेलीविजन चैनल द्वारा कल का पायोनियर पुरस्कार। इसके अलावा उनके बारे में प्रतिष्ठित अखबारों मैगजीन टेलीविजन चैनलों में भी दिखाया गया है, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया टुडे, CNBC, TV18, IBN7, इटी नाउ, न्यूज एक्स आदि। प्रेरणा से भरी किताबें, संदीप जी के अनुसार संदीप जी को किताबों से काफ़ी लगाव है और यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने किताबों से बहुत कुछ सीखा है। निम्नलिखित ऐसी किताबें हैं जिन्होंने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनके अनुसार ये सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने वाली किताबें हैं जो कि आपको आसानी से बाजार में मिल सकती है, उन्हें एक बार पढ़िएगा जरूर। मेरा चीज किसने हटाया, स्पेंसर जॉनसन द्वारा, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा में से एक, मुझे यकीन है कि आप भी इसे पसंद करेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बॉय डेविड जे शॉर्ट्स, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों में आप सही हैं। सोचो और अमीर बनो बाय नेपोलियन हिल, निसंदेह भौतिकवादी दुनिया में सफल बनने के लिए लिखी गई सबसे अच्छी पुस्तक। नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा सकारात्मक सोच की शक्ति, संक्षेप में हमारा जीवन हमारे सोचने के तरीके पर ही निर्भर करता है।
डेल कार्नेगी द्वारा दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को प्रभावित कैसे करें, नाम से सब कुछ पता चलता है। अत्यधिक प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, स्टीफन आर कोवी, यह कम से कम एक बार तो अभी पढ़ने लायक है। एंथनी रॉबिन्स द्वारा असीमित शक्ति, चिकन सूप फॉर द अनसिंकेबल सोल, मुस्कुराने और रुलाने वाली लघु कथाएं। मार्केटिंग मैनेजमेंट बॉय फिलिप कोटलर, उनके लिए जो व्यवसाय में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सी यू एट द टॉप जिग जिगलर, वास्तविक जीवन के उदाहरणों, प्रेरणादायक कहानी और प्रेरक उदाहरणों से भरी। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस बॉय मिहाली सिक्स जेंट मी हलाई, सबसे अच्छी किताबों में से एक जो मैंने कभी पढ़ी है। द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोहेलो, एक बार आप अगर इसे पढ़ना शुरू करते हैं आप इसे ख़त्म किए बिना रुकेंगे नहीं। जोनाथन लिविंगस्टिन सीगल ए स्टोरी बाय रिचर्ड बॉच, एक कलातीत प्रेरणादायक कहानी। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस द्वारा संस्करण, आध्यात्मिक और भौतिकवादी दुनिया में सफलता के लिए अवश्य पढ़ें। ताओ ते चिंग लाओ त्यू, सरल लेकिन बहुत गहरी अंतिम सत्य के रास्ते पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण देती है। ज्ञान की स्वतंत्रता जिद्दू कृष्ण मूर्ति, अनंत संभावनाओं के लिए अपना दिमाग खोलें। द होली बाइबल सभी के लिए अवश्य पढ़ें। रूमी फारूक डोंडी, दिल से दिल की बात। अष्टवरक गीता, गीता प्रेस केवल उन लोगों के लिए जो चेतना की बहुत उन्नत स्थिति में है। प्रेरणा से भरे वीडियो संदीप जी के अनुसार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी गुलजार साहब द्वारा। संदीप जी के कुछ वीडियोस जो सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं, वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो उनकी फेमस हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्रेरणा से भरे उनके कुछ विचार, आइए उन पर विचार करते हैं, उनको अमल में लाते हैं। संदीप जी ने अपने जीवन में कई विचार रखे हैं जिसने लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं। यह कुछ ऐसे विचार हैं जिनसे आपको कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप खुद के परिवार के देश के काम आ सके और कुछ बड़ा मुकाम पा सके। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपके अंदर ही है, अपने अंदर देखिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी आपके जीवन में कुछ हासिल करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसके लिए आपको खुद उठना होगा। आपके पास कुछ भी हासिल करने की अद्भुत शक्ति है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ भी काम करने से पहले यह ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अगर मन से आवाज़ आ रही है तो उस काम को कर डालो। ध्यान करना किसी तरह की यात्रा नहीं होनी चाहिए, यह मज़ेदार होना चाहिए। कम से कम शुरुआत करें, 5 से 10 मिनट रोज़ एक अच्छी शुरुआत है। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी प्रेक्षण शक्ति एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने आप को और अच्छी तरह जान सकते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। जीवन की हर परिस्थिति में चीज़ों को सकारात्मक ढंग से देखने की कोशिश करें। सफलता मिलती है अनुभवों से और अनुभव मिलता है खराब अनुभव से। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है और उसे सीखने की कोशिश करें। बिना उद्देश्य के जीवन अर्थहीन है। जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उस पर काम करें, इससे आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में कर सकते हैं। कभी भी अपने आप को कम या छोटा मत समझिए, आप उससे भी बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। जब भी आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है उस समय अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को याद करें, आपको कुछ हिम्मत मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी समस्याओं से काफ़ी बड़े हैं।